ये क्या हो रहा है? काम इसका काम हो रहा है अभी, इसलिए हम सारी रात जागते हैं। ये आवाज आई है, मैं देखने आई हूँ तो यहाँ हो रही है जी। जहान भी आगे नहीं लेके, ये सामने बोतल एकदम आयल की ऐसे मैंने बंद किया। पहले खा लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और रात के बज रहे हैं जी 11:30। 11:30 बजे का टाइम है और हमारे घर में ऐसे है जैसे सुबह हो रही हो। किसी को नींद का नामो निशान भी नहीं है। यहाँ जी बन रही है ये धड़ाधड़ चाय। ये चाय का टाइम है, 11:30 हो रहे हैं। भूख लग रही है, क्या करें, नूडल्स भी खा लिए, आइसक्रीम भी खा ली, इफ्तारी भी कर ली, खाना भी खा लिया, पकौड़े भी खा लिए। अगर टाइम से सो जाओ तो इतनी भूख ना लगे, फिर सहरी में ना खाना। और ये देखो जी यहाँ सिलाइयाँ हो रही हैं। ये देखो शीट का क्या हाल किया होगा, ये कपड़े सिलाई हो रहे हैं। पूरब क्या कर रही है? मेरे पैसे हैं इसमें। आप इसमें पैसे इकट्ठे कर रही हो? नहीं, अभी नया लाया है। हैं? पापा ने पस्तियाँ डाल के देखी। और थोड़े कपड़े सियो। मम्मा चाय के साथ रस खाना पसंद करेंगे? नहीं जी, नहीं, नूडल्स चाय के साथ। माशाल्लाह कितनी अकलमंद मेरी औलाद है। चाय के साथ नूडल्स कौन खाता है? वो कह रही हैं मम्मा हमें नगेट्स फ्राई करके दो, हमें भूख लगी हुई है तो थोड़े से पड़े हैं नगेट्स, ये इनको करके देती हूँ फ्राई। और इन्होंने ना अब खा पी लेना, फिर उसके बाद सहरी में नहीं कुछ भी खाना। और ना फिर इन्होंने सारा दिन कहना मम्मा रोज़ा लग रहा है, भूख लग रही है ना, यही काम है ना। बाल देखो अपने ज़रा, वो हो जाते हैं ना रात को, हो जाते हैं ना रात को। ये नहीं कि टाइम से सो जाएं, अगर टाइम से सोई हुई हो ना तो तुम लोगों को इतनी भूख ना लगे। कल छुट्टी है, जब भी तो तुम लोगों की मौज हो रही है, वरना अब तक मैं इनको सुला देती। हाँ जी, हाँ जी, क्या लगाया बताओ मम्मा को, जल्दी से बताओ। शूज तो पहन लो। मैंने लगाया 7 और ये वाओ, ये तो हूरब की 80 मशीन आ गई हुई है। हूरब ने इसमें 7 पता नहीं क्या क्या लगा दिया। बर्तन पे बर्तन गंदे करो, उसमें रखा हुआ आयल डला हुआ, पहले फ्राई किए थे ना उसमें ही कर लो। आज सहरी में ना मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, ये आयल जग है ना जो, इसमें रात मैंने नबीहा को कहा कि इसमें ना आयल का पैकेट खोल के वो आयल डाल दो। इसने आयल डाला, उसके बाद उसका ढक्कन सही तरीके से बंद नहीं किया। और सहरी में जैसे ही मैं अंडा फ्राई करने के लिए ऐसे आयल डालने लगी उसके ऊपर, तवे के ऊपर, वो ढक्कन कहीं गया और आयल आधी से ज्यादा बोतल एकदम आयल की ऐसे मैंने बंद किया था। पहले खा लो। मैंने बंद नहीं किया था, फिर किसने खोला रात को, बाद में किसी ने आयल यूज ही नहीं किया वो था। शीशा जो गिरा ना वो भी मैंने गिराया, बता दो सारों को, वो भी मैंने गिराया था। नहीं जी, वो आपने नहीं गिराया था, वो इसलिए गिरा था कि उसके ऊपर लगी हुई थी डबल टेप और वो ना गर्मी की वजह से मेल्ट हो गई, मेल्ट होके वो शीशा गिर गया। आराम से, इतनी इसको तेजी रहती है ना, इसको इतना शौक है ना कि मैं फटाफट कर लूं कुछ ना कुछ किचन में घुस के। कल मैं मोमोज बनाऊंगी। हाँ जी, आपके बनाए हुए मोमोज भी देख लेंगे। मोमो बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी। ये ना हो के खाने के लायक ही ना हो और हमारा ना सारा वो चिकन हर चीज वेस्ट कर दे। बस इतने बहुत है। लो जी, हमारे घर तो ये आधी रात को हो रही है टी पार्टी, जिसके साथ चाय के साथ नगेट्स फ्राई हो रहे हैं और इधर ये जी चाय के साथ रस खाए जा रहे हैं। ये देखो जी कोई हाल नहीं है, रस आ जो रस खा लो, साथ साथ फोन पे बातें हो रही हैं, साथ साथ चाय के साथ रस खाए जा रहे हैं। टी पार्टी आप ब्लॉग बना रही थी, आप ब्लॉग बनाती इधर ना ना आती यार। हां जी, टी पार्टी हो रही है आधी रात को हमारे घर, रात के 11 बज रहे हैं, उधर नगेट्स फ्राई हो रहे हैं। और ये शहजादी मुझे कह रही है मम्मा आप चाय के साथ नूडल्स खाएंगी, मुझे ये बताओ चाय के साथ कौन नूडल्स खाता है। इफ्तारी के बाद मैंने सारा किचन समेट दिया था और दोबारा से बर्तनों का ढेर लगा दिया। अब सहरी के भी इकट्ठे हो जाएंगे, इतने ज़्यादा बर्तन सारा दिन और पूरी रात हमारे बर्तन नहीं ख़त्म हो रहे, रात के बज रहे हैं जी 2:15। 2:15 का टाइम हो गया और यहाँ पे ये क्या हो रहा है? काम इसका काम हो रहा है अभी। क्या कर रही है? दिखाओ नहीं, मेरे डिज़ाइंस इधर उधर चले जाएंगे। लो नहीं जाते, ये जी लोगो बनाया जा रहा है, लोगो ही बना रही है ना। नहीं,
हाँ जी लोगो इसने बना दिया हुआ है, अब ये पोस्टर बना रही है। ये काम होते हैं हमारे सारी रात सहरी के टाइम तक, उसके बाद फिर हम थोड़ी देर सोते हैं, उसके बाद फिर इसकी एकेडमी का दूसरी जो छोटियां उनके स्कूलों का टाइम हो जाता है, फिर दोबारा से ज़िंदगी मसरूफ़ हो जाती है, फिर इफ्तारी बनानी होती है, फिर उसके बाद इफ्तारी के बाद फिर हमारे यही काम चलते रहते हैं, इसलिए हम सारी रात जागते हैं। वीडियो एडिट करनी, थंबनेल बनाने, फिर ये इस तरह के काम, लोगो बनाने, पोस्टर बनाने, ये सारे काम नबीहा रात को करती है, इसलिए इसीलिए इसकी सेहत इतनी रह गई है। ये सेहत रह गई हम नहीं रहने देते, ये जनाब जी आपका ही शौक था, आपको ही इंटरेस्ट था आपको, आपके चक्कर में मेरा डिज़ाइन खराब हो गया। चलो, आपको इन चीज़ों का शौक़ था, आपको ही इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, और आपने अपने शौक़ से ये कोर्सेज किए थे, हमने ज़बरदस्ती नहीं करवाए थे आपसे, ये आपके जहन में होना चाहिए। और अगर आप अब ये कहो कि आपकी वजह से, तो फिर आपके लिए एक थप्पड़ हल्के, है ये हल्के हल्के इतनी पास होके ना बैठा करो, ऐसे भी मुझे काम नहीं होता। क्यों? अभी तो मैं टेक लगा के बैठी हुई थी, उधर चार्जिंग खत्म हो गई, यहाँ आना पड़ा। अब देखो, मैं तुम्हारा ये कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारा डिज़ाइन चोरी ना हो जाए। नहीं, आप दिखा लो, मैं तुम मजाक कर रही हूँ। हाँ जी, हम मजाक कर रहे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों से क्या हमने छुपाने हैं, नबीहा के लोगों के डिज़ाइन, पोस्टरों के डिज़ाइन हमने क्या छुपाने हैं। ऊपर कितने टैब्स ओपन हुए हैं, सारे अभी कभी डिज़ाइन इधर कर लो, ये यहाँ कितने टैब्स ओपन हुए हैं, ये सारे अभी कभी डिज़ाइन हुए, अभी आते तो मैंने क्लोज की है, यहाँ से इतना ज़्यादा रश पड़ गया था, समझ कुछ नहीं आ रही थी कहाँ जाऊँ। चलो, अब कितनी देर का काम रह गया, अभी तो है मेरा काम, आप है सो जाओ, मैंने अब सैरी नहीं बनानी, अब सोने का टाइम है, सवा दो हो गए, मैं अब अभी मैंने सैरी भी बनानी है, और वो जो किचन इतना बिखेर दिया हुआ है सब ने मिल के, उसको पहले समेटती हूँ, फिर उसके बाद सैरी की तैयारी करती हूँ। सहरी का टाइम हो गया और सब पीते हैं लस्सी सहरी में, और दही ख़त्म हो रही थी, मैंने रेहान से घर जाके दही ले आए, रेहान गए हैं दही लेने, और मुझे पानी के गिरने की आवाज़ आई है, मैं देखने आई हूँ तो यहाँ हो रही है जी ज़बरदस्त किस्म की बारिश, और रेहान भी आ गया दही लेके, ये सामने ही दही की दुकान है, दही आ गई लेके जी। नहीं, मैं नहीं आ रहा, क्यों? मैं बारिश में नहाऊंगा, मौसम एंजॉय करूंगा, नहाओ जी, मुझे दही दे दो, आप जाके सहरी बनाओ। मैं नहाने से मुराद ये नहीं है कि विवाह की नहाऊंगा, यहाँ ठहर के बारिश एंजॉय कर। हवा कितनी प्यारी चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा, और रात से ही ठंडी हवा चल रही थी, मैं पहले ही कह रही थी कि लगता है कहीं बारिश हुई है। मुझे अगर दरवाजा खोलने दो तो वो सोफे के साथ वाला हाल का, फिर मैं ऊपर आके बैठ जाता हूँ। खोल लो, सहरी नहीं करनी, ठीक है, चलो आ जाओ जी। खोल लिया दरवाजा? हाँ, बहुत सुकून मिला, पर ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सही बात है, ये देखिए सोफे का, इस हमारे डोर का बहुत फायदा है, जब भी मौसम अच्छा होता है हम इसको खोल लेते हैं, दिन में खराब हो, मैंने किया धूप, सर्दियों में जब धूप होती है तो फिर भी इसको खोल लेते हैं, इस यहाँ से प्यारी सी धूप आती है। चलो कर दो सेटिंग, कोई बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ औरतों की, मेरे जिम्मे लगा दिए ये वाले काम, खुद ही करने लगे हो, ये कर रहे मेरी बात सुनो, ये तो मेरी पेट बिस्मा वाला काम अब खा रहे हैं पूरा, तो खाए जी। और ये देखें जी, इनकी मशीनें सारा कुछ यहाँ पड़ा है, और जाके अब सो गई हैं, अब फिर उठाना पड़ेगा इनको, मैं कह भी रही थी अभी ना सो, आधा घंटा रह गया सहरी में, सहरी करके ही सो जाना। देखो सही हो गया? हाँ जी सही हो गया। नाश्ते में मुझे तो ये तो दाल भी है, आलू बैंगन, अंडे, सहरी बाबा, सहरी में मैं भूल गया बेटा, भूल गया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मज़ेदार नाश्ता आ चुका है, अंडा कोई ना खाए, फिर नाश्ता वो सहरी में अंडा कोई ना खाए, अंडा मैंने अकेले ने खाना है, और अब हम करते हैं सहरी।